this video, I will be giving you the outline of this chapter, complete outline of this chapter. इस पूरे वीडियो में आपको पता चल जाएगा इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, छोटी छोटी चीजों के बारे में हल्का हल्का आपको पता चल जाए. चलो प्री प्रोडक्शन या फ्लावरिंग प्लांट से हम शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू होगा आपका ये? फ्लावर से, द ओनली रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट. द मेल, फीमेल. Okay, here comes the two important terms for you guys. First is monoecious and second is dioecious. Monoecious is a condition where the male and the female part, the male and the female reproductive part of the flower is present in the same flower. Bisexual होते हैं. अगर हम normal भाषा में बोलूं कि male और female दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है. जैसे लास्ट वीडियो में मैंने पूरा अपना फ्लावर का डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में मैंने आपका जो गाइनोशियम है और एंड्रोशियम है वो एक ही जगह से बताया था आपको. दैट वाज मोनोशियस. एंड डायोशियस मींस डिफरेंट फ्लावर विल बी हैविंग डिफरेंट गैमेट्स, दैट मींस यूनिसेक्सुअल. क्लियर? ओके, अब आ जाओ मेल. द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फ्लावर, इसको हमने क्या नाम दिया था? राइट, एंड्रोशियम. इसमें एक जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? एंथर. एंथर एक जगह है जहां से आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं. अब पूरा स्ट्रक्चर एंथर का पोलन ग्रेन्स तो नहीं बना देगा, तो वो पार्ट एंथर के अंदर जहां से हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे, वो पार्ट एंथर के अंदर जहां से हमारे पोलन ग्रेन्स बनेंगे उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. मेल्स के केस में हमेशा वर्ड माइक्रो यूज होगा क्योंकि मेल्स छोटे हैं, फीमेल्स हमेशा बड़ी है, उनके केस में हमेशा मेगा वर्ड यूज होगा. ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि द मेल पार्ट इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम. उसके एंड्रोशियम में क्या पार्ट होता है आपके पास? एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है. जो आपके पोलन ग्रेन्स बनते हैं वो कहाँ से बनेंगे? एंथर से बनेंगे. तो एंथर की वो जगह जहाँ से आपके पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उनको क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया, उस जगह को. ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक जगह होगी, उसको कहेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू. क्या कहेंगे? स्पोरोजीनियस टिश्यू. इन स्पोरोजीनियस टिश्यू में कुछ सेल्स विल बी स्टार्ट बिहेविंग एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. एक जगह एंथर में जहां से पोलन ग्रेन्स ओरिजिनेट होंगे माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया में एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, उसको कहते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू. इन स्पोरोजीनियस टिश्यू के कुछ सेल्स विल स्टार्ट बिहेविंग इटसेल्फ, खुद से ही, खुद में अपने आप में दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज माइक्रोस्पोर मदर सेल. दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल विल अंडरगो meiosis to form four microspores will be produced. Clear? And each one is now capable of forming or mature होके वो क्या बनाएगा आपका? Four pollen grains. Clear? तो यहाँ पर आपकी pollen grains बन गए. अब the process by which the pollen grains are formed, the process by which the pollen grains are formed is called as, कौन सा वर्ड यूज होगा? माइक्रो. दैट मींस माइक्रो स्पोरोजेनेसिस. बेटा बायो में ना कुछ वर्ड्स हमेशा याद रखना. जैसे जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, आंखें बंद करके फॉर्मेशन करना है. ठीक है, किसका करना है आपको? माइक्रोस्पोर्स का. सो द प्रोसेस बाय व्हिच द माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. क्लियर? अल्टीमेटली हमारे क्या बन गए? पोलन ग्रेन्स. डोंट वरी, ये जो हर एक एरो मैंने दिखाया है ना, ये हर एक एरो के अंदर भी घुसेंगे हम लोग आगे वाली वीडियोस में. ठीक है, चलो सिमिलरली हम फीमेल में आ जाए. मेल अच्छे से समझ में आ गया? आ गया होगा. चलो नेक्स्ट फ्लावर में आ जाओ. फ्लावर के फीमेल पार्ट में इट इज कॉल्ड एज गाइनोशियम.
क्यों? क्योंकि फीमेल्स किसके पास जाती है? गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है, गायनोशियम। ठीक है, गायनोशियम में हम बात करेंगे ओव्यूल की। ओव्यूल में एक जगह होती है, उसको कहेंगे हम मेगा स्पोरेंजिया। इस मेगा स्पोरेंजिया में एक जगह और होगी, उसको कहेंगे हम न्यूसेलस। अभी जगहों की बात हो रही है, गायनोशियम में कौन सा पार्ट याद है? ये था आपका, हम इसके अंदर है। इट्स अ साइट वेयर योर एग फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ठीक है, इस ओव्यूल के अंदर, इस ओव्यूल को हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया में एक जगह होगी, इसको हम कहेंगे न्यूसेलस। अब न्यूसेलस के सेल्स जो है वो दे विल स्टार्ट बिहेविंग एज सेम मेगास्पोर, मदर सेल। क्लियर? अगेन बिल्कुल जैसे मेल्स में हुआ था, मेगास्पोर और मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस, विल बी फॉर्मिंग फोर मेगास्पोर्स। क्लियर? अब यहाँ पर सबसे ज्यादा डिफरेंस आता है कि मेल्स के केस में क्या हो रहा था, फोर मेगास्पोर्स, फोर माइक्रोस्पोर्स आपके फोर पोलन ग्रेन्स में बदल गए थे, फोर माइक्रोस्पोर्स आपके फोर पोलन ग्रेन्स में चेंज हो गए थे, मैच्योर हो रहे थे, मैच्योर होके फोर पोलन ग्रेन्स बना रहे थे। पर यहाँ पे क्या होगा, चार में से जो तीन है दे विल डिसइंटीग्रेट, खत्म हो जाएंगे बेचारे, और एक आपका फंक्शनल रहेगा। आगे वाली जब हम ये पूरे अंदर से पढ़ेंगे ना, ये पूरा प्रोसेस जब अंदर से पढ़ेंगे, मैं ये भी बताऊंगी कि ये कौन सा चार में से कौन सा एक बचा रहता है। ठीक है, अब वही बात आ गई है, द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? राइट, दैट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस वर्ड क्या है? फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन? मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन। ठीक है, वहां पर कहां हो रहा है तुम्हारा? एंथर के अंदर, स्पोरोजेनस टिश्यू के अंदर। ये कहां हो रहा है तुम्हारा? मेगास्पोरेंजिया में, न्यूसेलस। ठीक है, अब ये जो आपको फर्स्ट एक जो बचा आपका है माइक्रोस्पोर, दैट विल टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट ओव्यूल, एंड दिस ओव्यूल विल बी हैविंग सेवन सेल, एट न्यूक्लिएटेड स्टेज। Now pollen grains will come and will fertilize with this ovule. ठीक है, the method by which the pollen grains are transferred, the pollen grains are transferred from anther to stigma, ठीक है, is called as pollination. It's called as pollination. And pollination is done by specific carriers called as pollinators. Pollinators are what? These are the special carriers for pollen grains. ठीक है? So जैसे ही आपके pollen grains और ovule के बीच में fertilization होगी, this type of fertilization is called as double fertilization. This is called as double fertilization. एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन होती है वो कौन सी होगी आपकी? डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है तो दो चीजें बनेंगी। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जब पॉलिनेशन हुआ है, पोलन ग्रेन्स आपकी यहाँ आके स्टिग्मा पर रिसाइड हुए हैं, दो पोलन ग्रेन विल मूव टुवर्ड्स योर ओव्यूल, टू पोलन ग्रेन्स विल मूव टुवर्ड्स योर ओव्यूल। ठीक है, two pollen grains will move towards your ovule. Clear? So eight pollen grain will fuse with the egg and one pollen grain will fuse with two pollen nuclei. इसका एक बार स्ट्रक्चर में हल्का सा बता देती हूँ आप लोगों को, ताकि इस पार्ट आपको समझ में आ जाए ना। दिस इज माई ओव्यूल, दीज आर द थ्री एंटी पोर्टल सेल्स, टू पोलर न्यूक्लियाई, द मिडिल वन इज एग,
the adjacents are called as synergens. Synergens के पास एक special apparatus होता है, that is called as filiform apparatus. पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे. क्या बोल दिया मैंने? Filiform apparatus. CBSE का question है ये. What are filiform apparatus? ठीक है? So this is a basic structure. ये कैसे बना है? एक function से ये कैसे बन गया? ये हम पढ़ेंगे. ठीक है? अब क्या हो रहा है? कि pollen tube आएगी, pollen tube यहाँ से fertilize होगी. एक तो चली जाएगा, एक पोलन ट्यूब, एक पोलन ग्रेन आपको कहाँ चला जाएगा? एग में. एक पोलन ग्रेन एग से फर्टिलाइज होगा, दूसरा पोलन ग्रेन आपका यहाँ फर्टिलाइज होगा. टू पोलन न्यूक्लियर जो सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं ओव्यूल में. ठीक है, तो वन पोलन ग्रेन जब आपके एग के साथ फर्टिलाइज हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं हम सिंगेमी. एंड अल्टीमेटली विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. जायगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रियो. Whereas, जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रही है, दूसरा पोलन ग्रेन आ रहा है, दूसरा पोलन ग्रेन आ रहा है, और किसको फर्टिलाइज कर रहा है? आपके टू पोलर न्यूक्लियाई को. इस केस में इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. दिस ट्रिपल फ्यूजन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. एंड एंडोस्पर्म आपके डेवलपिंग जायगोट को क्या प्रोवाइड करेगा? न्यूट्रिशन. तो हम आगे जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, हम ये देखेंगे कि प्लांट्स बहुत एक वो चीज़ है, बहुत ही स्मार्ट है अपने अपने खुद में. क्यों? क्योंकि उसको पता है उसको बाहर से कोई मदद नहीं मिलने वाली है एनी हाउ. तो उसको जायगोट अपना डेवलप करना है, और जायगोट डेवलप करने के लिए ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ेगी. तो न्यूट्रिएंट्स का जो चाहिए उसको, जो न्यूट्रिएंट्स वो पहले से एम्ब्रियो बनने से पहले वो तैयार करके रखता है. दैट मीन्स जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है दैट विल बी टेकिंग फर्स्ट, पहले होगी वो, और उसके बाद फिर आपके जायगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी. अच्छे से पढ़ेंगे बाद भी हम बाद में. फिर एम्ब्रियो फिर अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ योर फ्लावर. सो दिस इज अ कंप्लीट साइकिल विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. कि हम सारी चीजें पढ़ेंगे कि एंथर कैसे दिखता है, एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे दिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा. ठीक है, माइक्रोस्पोर्स का स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर आना ही आना है. पोलन ग्रेन के बारे में क्वेश्चन पक्का ही पूछा जाएगा. ठीक है, आजकल एक नया क्वेश्चन चल रहा है सीबीएसई के दिमाग में, प्लॉइडी के ऊपर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम के ऊपर, कि हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है. तो इस केस में याद रखना, जब भी गैमीट्स बनेंगे, जब भी हम गैमीट्स की बात करेंगे, जब भी आपकी मियोसिस के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जब भी हम गैमीट्स की बात करेंगे या फिर हम ये बोलेंगे कि मियोसिस के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे हमेशा हैप्लॉइड होगा, बाकी सब आपका डिप्लॉइड होगा. मियोसिस से पहले जितने भी हमने बात करी है, न्यूसेलस के सेल्स की, स्पोरोजेनस सेल्स की, सारे सेल्स आपके डिप्लॉइड होंगे. बस मियोसिस के बाद जो भी आपका बन रहा होगा प्रोडक्ट, मे इट बी योर माइक्रोस्पोर्स, मे इट बी योर मेगा स्पोर्स, सिर्फ इनकी प्लॉइडी क्या होगी? हाफ. लिख लो इस चीज को, इनकी प्लॉइडी होगी हाफ. वेयर एज सबकी, बाकी सबकी क्या होगी? डिप्लॉइड. क्लियर? इस चीज में एक चीज डिफर करती है, यहां पर भी, यहां पर एन एन हो गया सर डबल फर्टिलाइजेशन से, ये टू एन हो गए. यहां पर ट्रिपल फ्यूजन हो रही है, एक पोलन ग्रेन है और टू पोलन निकले हैं, एक और दो तीन, यहां ट्रिपल एन होगा, थ्री एन की प्लॉइडी होगी. ये याद रखना एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के केस. आगे वाली क्लासेस में हम मेल शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा एंथर का स्ट्रक्चर बताएंगे, एंथर के स्ट्रक्चर के बाद माइक्रोस्पोरेंजिया बताएंगे, क्या चीज माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, प्रॉपर डायग्राम्स विल बी देयर ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए. माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ से होते हैं, कौन से बनते हैं, ऐसी क्या जरूरत होती है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल बनना जरूरी है, सारे सेल्स क्यों नहीं कर देते. ठीक है, कैसे मियोसिस होगी, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, और important structure of pollen grains. So this will be a part topic in the next lecture. जब तक इतना revise करके रखना.